ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ अनिरुद्ध भाटिया। मैं यही बोलूँगा क्योंकि भाई लास्ट वीडियो जो है आपने देखा पार्ट वन था, और अभी पार्ट टू हम कंटिन्यू करने वाले। लास्ट अटैक मैंने नदीम का दिखाया था, नदीम पे, और रिप्लेस बहुत सारे हैं, तो मैं एकदम तेज़ी से ही भाई वीडियो सारे रिप्लेस चलाऊँगा सारे, और आपको बस समझने के लिए जो है अटैक्स यहाँ पे, ताकि अलग अलग बेसिस पे आप कैसे अटैक कर सकते हो। आई हैव नो आइडिया ये रिप्ले मैंने पहले दिखा रखा है या नहीं, पर शायद नहीं, क्योंकि नदीम तक ही लास्ट कवर किया था मैंने। और यहाँ पे देख सकते हो सीसी बाहर आ गया था इसमें, और यहाँ पे उसने यूज़ करा है फ्लेम फ्लिंगर, यहाँ से आया फ्लेम फ्लिंगर, और देखते भाई फ्लेम फ्लिंगर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, डिफेंसेस पे अटैक कर रहा है वो डायरेक्ट, क्योंकि फ्लेम फ्लिंगर का वही काम है। और इस वाले बेस में जो है क्वीन देख सकते हो, निकॉन ने उसको पूरा हील करा है, और फ्लेम फ्लिंगर भी भाई पूरा यहाँ पे बच गया है। तो ये था फर्स्ट अटैक ऑन एसबीआर भाई, वो भी अच्छा पुशर है। नेक्स्ट यहाँ पे रोरो पे अटैक है, और फास्ट करते इसको भी, ये भी एक बॉक्स टाइप का बेस है, एक मल्टी इन्फर्नो सामने है, बैक एंड में एक मल्टी इन्फर्नो है, और तीसरा मल्टी इन्फर्नो भाई इधर बाहर है। थोड़ा आपको यहाँ पे अलग सा बेस देखते हुए आजकल चल रहा है ऐसा, आई थिंक दो मल्टी बेस के पूरे बाहर है, अपोजिट में एक साइड, एक टीएच के आगे, और यहाँ पे जो है सीज बचाया गया है भाई। ईडी से बहुत बेस यहाँ पे खाली हो गया है, तो मे भी गलती से आरसी पहले ड्रॉप कर दिया उसने, शायद नहीं, यहाँ पे देख सकते हो अभी भी सुपर मिनियंस वगैरह बचे थे। तो ये था सेकेंड अटैक ऑन रोरो, भाई काफ़ी सही था ये अटैक भी। नेक्स्ट बेस देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस पर अटैक किया गया है, और ये भी एक भाई बॉक्स बेसिस है, तो बॉक्स बेस काफ़ी आसान नहीं बोलूँगा, मतलब टफ है सबसे ज़्यादा अटैक करने के लिए एक तरह से। और यहाँ पे आपको जो है सारे बॉक्स बेसिस के ही रिप्लेस मिल रहे हैं भाई, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन बॉक्स बेसिस को टैकल करने में, क्योंकि बॉक्स बेसिस ही सबसे ज़्यादा जो है चलते हैं, और कुछ बेसिस जो है बॉक्स बेसिस अभी भी ईडीस से हार्ड है, बट जिनके आप रिप्लेस देख रहे हो एटलीस्ट उन बेसिस को तो आप आसानी से जो है अगले बार क्लियर कर पाओगे, चाहे आपको वॉर में मिले या फिर कहीं भी मिले। तो ज़रूर जो है इसको शेयर करना, ताकि भाई और भी रिप्लेस जो है मैं ऐसे लाते रहूँ। ये थर्ड था रिप्ले। उसके बाद है नेक्स्ट मेंडोज़ा पे, और ये भी एक तरह से बॉक्स टाइप के ही बेसिस है, और भाई हर बेस जो है मतलब इतने बॉक्स बेसिस हो चुके हैं भाई गेम में, और इस पे देख सकते हो थोड़ा अलग बेस है, तो थोड़ा अलग अप्रोच, ईडी से बहुत ज़्यादा वैल्यू अपोजिट में था। बाकी अटैक टाउनल से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और देख सकते हो टाउनल यहाँ पे डाउन हो गया है, सीसी में से आया है इलेक्ट्रो टाइटन, एक और रेज आया, मोनोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन होना, बट यहाँ पे मोनोलिथ डाउन हुआ नहीं है भाई, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आरसी भेजा गया है, क्वीन ब्लिम्प सॉरी सीसी पूरा बचा हुआ है अभी, ओके, और सीसी यहाँ से जो है ये इसको यूज़ करा गया है, इसका नाम क्या है सीस का मैं भूल जाता हूँ बार बार, बैटल ड्रिल आई थिंक ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे आरसी मर गया है, किंग क्वीन की एबिलिटी बची है, और मुझे लग रहा था भाई अटैक थोड़ा फंस रहा है, देख सकते हो इतना ओवर किल यहाँ पे। तो भाटिया यहाँ पे ये कर रहा है कि देख सकते हो कहीं पे अगर ज़्यादा वैल्यू है एक दो ईडी से, वो वैल्यू ले ले रहा है किसी बेस में, अगर वो देख रहा है कि टीएस से मेरे को, मतलब ईडी का क्या काम है कि बेस का बहुत हाई डैमेज जो है ले लेना, बाकी चीज़ें जो है हीरोज आराम से ओवर पावर कर रही है विद सीज, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेस का वीकनेस जो है, आपके पास बस 30 सेकंड मिलता है, और आपको किस साइड से जाना है, कहाँ से आपको हाई जो डैमेज देते हो डिफेंसेस डाउन कर सकते हो ईडी से, उसके बाद हीरोज जो है बेस को यहाँ पे क्लियर कर देंगी। देख सकते हो यहाँ पे बैटल ड्रिल अब हीरोज को सपोर्ट के लिए आ चुका है, आपको हर अटैक में कुछ वैसा ही पैटर्न एक तरह से आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और बैटल ड्रिल भाई फूटता भी नहीं है अटैक्स में, देख सकते हो इतने नेक्स्ट लेवल के अटैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है वॉरियर ड्रैगन्स के ऊपर, और ये भी जो है एक बॉक्स टाइप बेस है, और इस पर भाई सीधा टाउन हॉल के लिए गया है, यहाँ पे
जाया गया है और टाउन हॉल डाउन हो गया, प्लस बोनस भाई मोनोलिथ भी डाउन हो चुका है बेस में, और अपोजिट से क्वीन आ चुकी है। अटैक अपोजिट से आएगा क्योंकि टाउन हॉल मिल चुका है भाई यहाँ पे, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर आपको टाउन हॉल मिल जाता है। और स्वीपर्स का पोजीशन इतना बेकार नहीं है कि आपके ईडी जो है आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आपको अपोजिट से जाना चाहिए, जैसे इस बेस में आपको देखने को मिल रहा है। सुपर मिनियन बचा हुआ है, एक इनविजिबल था वो भी यूज़ कर लिया गया है, और ये भी बेस जो है ट्रिपल हो गया यहाँ पे। ऑन वॉरियर ड्रैगन, मुझे पता नहीं हम कितने रिप्लेस देख चुके हैं, बट अपने पास इतने रिप्लेस अवेलेबल हैं कि भाई प्ले करते जाओ, लेकिन रिप्लेस जो है ख़त्म नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता अभी और भी जितने रिप्लेस है वो इस वीडियो में भी कवर हो पाएंगे, सो बस मैं जो है वीडियो मैं जितना हो सकता है उतना करूँगा भाई, ठीक है। यहाँ पे एक रिंग टाइप का बेस था, देख सकते हो, इसमें अभी तक सीज यूज़ नहीं करा गया है, कोर साफ हो चुका है। हीरोज़ और बैटल और जो बैटल ड्रिल है उसके लिए क्या बचा है भाई क्लियर करने के लिए, इसमें देख सकते हो कुछ भी नहीं बचा था। ये था मिस्टर एंड मिसेस निज़ाम, मुश्तवा नहीं है अभी, वो लोग नहीं खेल रहे आई थिंक, तो आई होप फॉर देयर कम बैक। भाई गेम में सब लोग रहने चाहिए, लेकिन अभी वो बहुत टाइम से नहीं दिखे, ना ही उनका ई स्पोर्ट्स वगैरह जो स्टार्ट करा था वो भी आजकल नहीं दिख रहा है, तो आई होप दे कम बैक। यहाँ पे देख सकते हो ये भी टाउन हॉल की तरफ से गया जाया गया इसमें, और भाई बहुत ही सही जो है ईडीस बहुत दूर तक गए भाई इसमें टाउन हॉल पे सर्वाइव करने के बाद। बैटल ड्रिल आया अपोजिट से, तो देख सकते हो पहले भाटिया बहुत ज़्यादा स्टोन स्लैमर यूज़ करता था, अभी स्टोन स्लैमर का लेवल 5 भी आ गया है, बट आप यहाँ पे बैटल ड्रिल हर अटैक में देख पा रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि बैटल ड्रिल का इम्पोर्टेंस अभी काफ़ी ज़्यादा है। और ये अटैक थोड़ा क्लोज आया था, फरारी पे अटैक था जूस क्लैन से। नेक्स्ट है यहाँ पे ओके यूसुफ पे, ये एक अपने को दिख रहा है कॉर्नर टीएस डायमंड शेप बेस है, तो चलो भाई बहुत देर से बॉक्स और रिंग हम देख रहे थे, फाइनली यहाँ पे एक डायमंड शेप बेस भी आ चुका है। टीएच यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ईडी डालना पड़ा विथ सम लून्स, यहाँ पे बचे हुए 5 ईडीज आए, और सिंगल इन्फर्नो देख सकते हो भाई, फिर भी अभी बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 2 स्कैटर शॉट है विथ रेस टावर। भाई ये ईडी बहुत सही काम कर गया, आई थिंक उसने एक एक्सपो डाउन किया जो बहुत ट्रेवल करता बाद में। और देख सकते हो बैटल ड्रिल कहाँ से आ रहा है अपोजिट साइड से, मतलब बेस का भाई पूरा चीर फाड़ कर दो, हर तरफ से डैमेज दो कि डिफेंसेस कंफ्यूज हो जाए, हम डिफेंड करें तो कहाँ से करें भाई, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो भाटिया जो है भाई यहाँ पे हर तरह के बेसिस को जो है धो रहा है, और इसके बाद एक आखिरी अटैक आज के लिए, नीचे और भी रिप्लेस है बट वो मैं देखूंगा बाद में। अभी यहाँ पे एक रिंग टाइप का बेस है, और यहाँ पे देख सकते हो ब्लिंप यूज़ कर लिया गया पहले ही, टाउन हॉल डाउन हो गया, और यहाँ पे भाई मोनोलिथ बच गया था। ये अटैक मुझे थोड़ा सा मे बी कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो उसको ही पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट भाई उस पर कर देता है योलो मोड, हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसने यहाँ पे भाई ब्लिंप भी साथ में पहले ही भेज दिया था, ठीक है, नहीं तो यहाँ इसमें फनल आई थिंक ईडीज टीएस तक जाना मुश्किल था, क्योंकि थोड़ा रिंग भी था पर थोड़ा स्प्रेडेड था, बट वहाँ पे टीएस डाउन होता है और ए भी जो है क्लियर हो जाता है आई थिंक। चलो एक और रिप्ले भाई, एक वीडियो में इतने रिप्लेस भाई कौन कवर कर सकता है, यहाँ पे आई थिंक 10-12 रिप्ले हो गए होंगे, और ये भी एक कॉर्नर टीएच बेस है। तो पहला जो वीडियो था ना उसमें थोड़े रिप्लेस थे, बट जो पार्ट 2 है भाई वो आपने देखा ही कितने सारे आपको रिप्लेस देखने को मिले हैं, तो ईडीज़ के बहुत सारे रिप्लेस है और भी रिप्लेस पड़े हैं, एक और पार्ट भी बना सकते हैं हम। और भाई ये देख लो, ये कॉर्नर टीएच के बेस का क्या हालत हो गया है, यहाँ पे सीज यूज़ करा गया है, सीज मुझे दिख नहीं रहा अभी तक, सीज कहाँ है, सीज अच्छा उप शायद पहले ही फूट गया था,
तो एक और था रिप्ले डायमंड शेप बेस का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, बहुत सारे रिप्लेज हैं, और अगर आपको ये रिप्लेज अच्छे लगे होंगे तो भाई जो है कमेंट्स में भाटिया ओपी ज़रूर स्पैम कर देना, और लिख सकते हो भाई आप कुछ भी भाटिया के लिए, यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे हमने बोला था उसका मेन आईडी कहाँ पे है, उसने 50,000 लेजेंड ट्रॉफीज भी कर लिया है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।